आरा शहर में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा सौर यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। यह सौर यात्रा बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली गई, जिसमें बड़ी मटिया आरा से जेल रोड, गोपाली चौक, धर्मन चौक होते हुए श्रीराम चौक, सिंडिकेट होते हुए रमना मैदान में यह सौर यात्रा का समापन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ सही ने उपस्थित रहे। बजरंग दल आरा नगर संयोजक अमित पांडे ने बताया कि इस शौर्य यात्रा में काफी संख्या में राम भक्त उपस्थित हुए, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ सही, विभाग श्रम मंत्री कमल किशोर पाठक, जिला मंत्री रमेश मिश्रा, नगर संयोजक अमित पांडे, नगर सह संयोजक जतिन गोस्वामी, मनीष गुप्ता, प्रिंस सिंह, विशाल सिंह, गुंडी हनुमंत जी, नमस्ते जी, सत्यजीत राज, नंदय, हरिओम जी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। वहीं नगर संयोजक अमित पांडे ने इस शौर्य यात्रा के सफल होने पर नगरवासियों को बधाई दी और उन्होंने बताया कि बजरंग दल आरा नगर इकाई बिहार में अपना अव्वल स्थान हासिल करने का प्रयास करेगा। इस दौरान बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गया था। सौर यात्रा हम लोग अपने बाबरी विधान से जो हम लोग के श्री राम मंदिर के ऊपर जो बनाया गया था विभाजी ढांचा को हम लोग जिस दिन ढाए थे, हमारे कार सेवक जिस दिन बलिदान दिए थे, उसी के यादगार में हम लोग ये सौर दिवस अपने हिंदू का सनातन धर्म का सौर के रूप में दिखाते हैं। अभी बड़ी मटिया से चलकर श्री राम चौक में होते हुए निकलेगा, वहाँ आरती मंगल के बाद श्री राम जी का हमारे सभा को संबोधित करते हुए खत्म किया जाएगा। जी, हम धीरज कुमार, विश्व हिंदू परिषद, धर्म प्रसार प्रमुख, जिला आरा।